नमस्कार, कैथलिक लघु सचिवालय की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें कि जहां अधिकारियों या मंत्रियों की गाड़ियां लघु सचिवालय में खड़ी होती थी, लेकिन आज एक अजीबोगरीब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो ट्रैक्टर ट्रैली है किसानों की, इसमें जो हरा चारा है वो आप देख सकते हैं, वो सचिवालय में पहुँची हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों सचिवालय में पहुँचे हैं, इन सब जानकारी के लिए हम जो किसान यहाँ ये ट्रैक्टर ट्रैली हरा चारा ट्रैक्टर ट्रैली में लेकर सचिवालय पहुँचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनको सचिवालय में ये चारा की ट्रैली लेने के लिए चारा की ट्रैली लेकर पहुँचना क्यों पड़ा। तो ये पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं इन्हीं से। हाँ जी, क्या नाम है जी? सर नमस्कार। क्या नाम? बलवान सिंह है जी। जी, मतलब ये जो ट्रालियाँ हैं सचिवालय में आज क्यों लेकर पहुँचे? ये किसान लेकर आए जी, आज इनका चारा नहीं बिका जी, जो चारा टोके वाले हैं उन्हें चारा नहीं खरीदा जी। आज मार्केट कमेटी के आदेश थे जी, दो दिन का नोटिस था उनके पास। अच्छा। भाई अगर आपने दुकानें खोली तो आपकी दुकानें सील कर दीजिए। नगर परिषद के, नगर परिषद की जी। हाँ। मतलब क्यों आदेश थे, किस क्या रीजन है? रीजन तो वो उन्हीं को पता जी क्या रीजन है, हमारे पास तो ये था कि आप चारा डालते हो बाहर, आपने दुकान ने सील कर दें, आपकी दुकान ने सील कर दें अगर आपने चारा भरा। आप मतलब चारा डालने वाले जो टोके वाले? हाँ जी, खरीदने वाले। हाँ जी, आप बताइए नाम आपका। मेरा नाम सोहन लाल है जी। मेरा टोका है जी डोगरा गेट। अच्छा, तो ये हमारे पास नोटिस आए हुए हैं। किस चीज़ के नोटिस? इस चीज़ के नोटिस हैं जी, अगर आप बाहर डालोगे चारा डालोगे या किसी दुकान को सील कर जी। तो क्या आप बाहर सड़क पर चारा डालते हो? नहीं, सड़क पर नहीं डालते सर, हमारे से लोग लेके जाते हैं, गौशाला की गाड़ी आते हैं, हम गौशाला में चारा डालते हैं। हाँ जी, तो फिर जो नोटिस है, नोटिस किस चीज़ के आए हुए हैं? नोटिस तो वो ऐसे ही आप एक प्रकार की ज़बरदस्ती लगा लो, मेरी 70 साल पुरानी दुकान है, तीसरी पीढ़ी हमारी वहाँ पे चल रही है, बताओ हमारा कहाँ जाएंगे हम, हमारे पास और कोई रोजगार का साधन नहीं है, हम कैसे करेंगे, कैसे बच्चों को पालेंगे जी। तो जो ये ट्रैक्टर ट्रैली लेकर किसान आपके साथ? ये किसान हमारे साथ हैं जी, अगर हम खरीदेंगे तो ये बेचेंगे कहाँ से? ठीक है, तो सर क्या कुछ बातचीत हुई आज? अभी तो कोई आया नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आइए अब जो किसान हैं यहाँ ट्रैक्टर ट्रैली लेकर आए हैं उनसे जानेंगे कि किस तरह मतलब यहाँ पहुँचे। हाँ जी, नाम आपका? सुरजीत सिंह। किसान हो जी आप? हाँ जी। ट्रैक्टर ट्रैली लेकर आए हो? हाँ जी। क्यों लेके आए हो जी? टोके बंद करवा दिए, माल सारा खरीद लिया, फिर आना पड़ा मजबूर। क्यों बंद हो गया टोके? टोके बंद इस करके हो गया जी, सरकार को प्रशासन को पता होगा क्यों बंद कराए ने, नोटिस में पहुंच गया। तो फिर यहां सचिवालय में क्यों ले गया या ट्रैक्टर ट्रैली? साडा कोई मसला हल करे सरकार। अच्छा, तो किसी से बातचीत हुई है? कोई बातचीत है ही नहीं, कोई अफसर ही नहीं मौके से करिए। तो कितने किसान हैं जो यहां ट्रैक्टर ट्रैली लेकर आए हैं? मुझे 20-25 किसान। 20-25 किसान है। तो आप मतलब कब तक यहां रहोगे सचिवालय में? आप जिंदगी भर साडा मसला हल नहीं, मतलब मसला हल करवा के जाओगे आप यहां? हां जी। ठीक है, साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जो चारा काटने वाले टोके हैं वो प्रशासन द्वारा बंद किए गए हैं, जिस कारण उनका चारा नहीं बिका और वो सचिवालय में पहुंचे हैं। तो और भी कुछ किसान आए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की जो बात है यहाँ सचिवालय में पहुंचे। हाँ जी, नाम आपका? शिशपाल जी। कौन सा गाँव है जी? सेठरा जी। क्यों पहुँचे हो जी सचिवालय? सचिवालय ने बोले टोके बंद कर दिए जी, हम चारा लेकर आए हैं जी। हाँ, इसका कोई समाधान करे प्रशासन। तो आज ही ले गए थे? हाँ, रोजगार रूटीन है जी। रूटीन है? हाँ, रूटीन से आते हैं। किसानों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनका चारा आज नहीं खरीदा गया, जिस कारण वे सचिवालय में पहुँचे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो नगर परिषद के ईओ है कुलदीप सिंह जी, वो यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह जो नोटिस हैं वो नगर परिषद द्वारा दिए गए हैं और क्या कुछ अब बातचीत है उनसे, हम जानेंगे कि क्या उनके क्या व्यू हैं। फल देते हैं जिससे आवारा पशुओं की इतनी भरमार हो गई है, आम नागरिकों का आना जाना उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो बढ़ते जा रहे हैं। इनको पहले हमने बुलाकर भी कहा था कि ऐसा ना करें, पर इन्होंने नोटिस की कोई अनुपालना नहीं की है, इसलिए ये सख्ती की गई है। अब ये आएंगे, नियमानुसार अपना लाइसेंस लें, परमिशन लें, अनुमति लें, चलाएं नियम अनुसार चलाएं, अदरवाइज इनको कोई भी अनुमति नहीं मिलेगी चलाने। सर, किसानों ने कहीं कहीं एकड़ जो है अपना हरा चारा जो उगाया हुआ है, अगर आपने टोके बंद करने तो पहले किसानों को बोलना था भी कोई हरा चारा ना लगाए, प्रशासन बंद करेगा। अब किसानों ने हरा चारा लगा के आपने लेने से मना कर दिया, टोके बंद करिए, कहाँ जाएंगे किसान? सर नहीं, किसानों से मेरी कोई बात नहीं, मैं तो टाल वालों की बात करता हूँ ना, किसानों पे हमारी ओर से कोई पाबंदी नहीं है। किसान चारा बोए, चारा बेचें, काटें, वो हमारा विषय नहीं है, वो मार्केट कमेटी का विषय है। हमारा विषय चारा मशीन से है, टाल से है, वो नियमानुसार करें। परमिशन सर, टाल क्या बंद करने से क्या गौवंश है शहर से खत्म हो जाएगा, क्या मान रही है नगर परिषद, क्या मानती है? हम सभी संभव प्रयास करेंगे, जिससे भी कम होंगे, जिस तरह से भी कम होंगे आवारा पशु, हम कम करेंगे। सर कितने टोके हैं शहर में? शहर में 31 हैं।
31 टोके हैं। तो सभी को नोटिस दिए गए हैं? नोटिस लगभग सभी को दिए गए हैं, जिसको नोटिस नहीं दिया गया है और मैं जांच करवा लेता हूँ दिया जाएगा। तो मैक्सिमम सर क्या कुछ आदेश दिए गए हैं नोटिस में सर? नोटिस में हमने यही कहा कि नियमानुसार इसका कार्य करें, अदरवाइज बंद कर दें। सर पहले क्यों नहीं किया गया, इतने साल से टोके चल रहे हैं, पहले बंद क्यों नहीं किया गया प्रशासन द्वारा? मैं अपने टाइम की बता सकता हूँ, मैं पहले क्या हुआ आगे क्या होगा नहीं पता, मैं वर्तमान की बता सकता हूँ। सर क्या इससे जो बाहर करने से कुछ दुर्घटनाएं कम होंगी मानते हैं आप? देखिए जब हर चीज़ के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना हमारा और पालन करवाना हमारी ड्यूटी है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। इसके अलावा और भी जो ज़रूरत पड़ेगी कार्य करने की, हम सभी संभव प्रयास करेंगे और लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए बिल्कुल जागरूक हैं, कार्यरत हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जिला प्रधान महावीर चहल नड़। महावीर जी, यहाँ पे कैसे पहुँचे? आज प्रशासन ने जो किसान गेहूं और जीरी की फसल नहीं करते, अपना जीवन बरसीन हरा चारा मक्का बोकर करते हैं, उनकी रोटी पर आज ताला लगा दिया है कैथल प्रशासन ने और बीजेपी सरकार ने, और जो कैथल का विधायक मंत्री उन्होंने गरीब जनता का पता ही नहीं भी गरीब जनता कैसे रोटी खाएगी उसके बारे में आज समाधान करेंगे। ये तो प्रशासन इनको बेचने की अनुमति देगा नहीं, कैथल को जाम कर दिया जाएगा कुछ देर में, जनता आने लग रही है। तो आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति अब और अपने सत्यान लगने कमेटी के संगठन के सभी अधिकारी बैठ कर बात करेंगे और प्रदीप दहिया से मुद्दे से बात करेंगे इसके बारे में। द्वारा गलत किया गया है? हाँ गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। जो 2000 रुपये ट्रैली लेकर एक किराए पर बरसीन और मकई फसल लेकर आता है तो किसान क्या करेगा? किसान और फांसी आएगा? सरकार किसान को मारना चाहती है, जो देश का पेट भरता है उसे भूखा रखना चाहती है सरकार। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी लड़ाई सड़क पर बैठ कर लड़ेंगे। पूरा अखबार भरिया पड़िया से महंगाई, अपराध, लूटपाट, बड़ी लड़ाई लड़कया सरकार बनाई थी, हरिया भी उसी लेकड़ी जिसी पास ली। ठीक कैसे भाई, इन नबी दे रखे सब ताई छूट, चाहे कोई कितनी मचाओ लूट, पर आपा करा भी के विपक्ष से ना बोलता दिखता। एक का मानस से मैं माड़ा बलराज कुंडू जो इनके खिलाफ आवाज ठाण लाग रहा से। अरे पर वो तो एकलास है। ना 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 ना, ई बेकला कोन्या, ई बलराज कुंडू ने मारी लड़ाई लड़न खातिर एक मंच बनाया से, जनसेवक मंच। या तो बहुत बढ़िया बात, ई बलराज भाई ने एकला नहीं छोड़ांगे, उसकी गैल लगांगे। ई बोले तू मेरे साथ में और यो ले जनसेवक मंच का झंडा हाथ में। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं हथियार है व्यवस्था परिवर्तन।